फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गायनेकोमास्ट्रिया के बारे में। गायनेकोमास्ट्रिया यानी ब्रेस्ट का एलार्जमेंट होना। अगर ये प्रक्रिया किसी भी पुरुष के अंदर, चाहे वो प्यूबर्टी स्टेज में हो, चाहे वो अपने मिडिल स्टेज में हो या फिर अपने अल स्टेज में हो, अगर वहाँ पे ये शो करने लगता है, उसका ब्रेस्ट का एलार्जमेंट शुरू हो जाता है, तो इसको गायनेकोमास्ट्रिया कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि गायनेकोमास्ट्रिया क्या होता है, उसके पीछे कारण क्या होते हैं, उसमें कौन सा जांच कराया जा सकता है और उसका मेजरमेंट कैसे होता है। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको केवल केवल हेल्थ से रिलेटेड ही पूरी सही जानकारी मिलती रहेगी। और लास्ट में मेरे फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो शुरुआत करते हैं गायनेकोमास्ट्रिया। गायनेकोमास्ट्रिया में फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारा जो ब्रेस्ट है, उसका जो बटम लाइक एरियोलर टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर एक ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ने देखने को मिलता है। इसके पीछे पैथोजेनेसिस क्या होता है फ्रेंड्स, इसके पीछे पैथोजेनेसिस बहुत से हो सकते हैं, तो डिस्कस अब हम उसे करने जा रहे हैं। पहला जो होता है, अगर आप प्यूबर्टी स्टेज में हैं, अगर आप टीनेज स्टेज में हैं, तो यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे बड़ा फैक्टर्स होता है। दो हार्मोनल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारे बॉडी में, एक एंड्रोजेन होता है और एक इस्ट्रोजेन होता है। कभी कभी इस्ट्रोजेन का लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो भी ब्रेस्ट है उसका एलार्जमेंट मेल्स के अंदर देखने को मिलना शुरू हो जाता है, और उसको काउंटर एक्ट करने के लिए एंड्रोजेन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और अगर आप मिडिल स्टेज में है, यानी आपका उम्र लगभग 24 साल है या 25 साल है या फिर 35 साल के, ये सब के बीच में है, तो भी अगर आपके अंदर गायनेकोमास्ट्रिया यानी ब्रेस्ट एलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, और आप अगर मेल है, तो आपके अंदर और भी अलग से इसका पैथोजेनेसिस या एटियोलॉजी हो सकता है। तो उसमें पहला आता है सीरियोसिस ऑफ लीवर। सीरियोसिस ऑफ लीवर इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी हार्मोन्स है उनका डिग्रेडेशन वगैरह ये सब लीवर में मेनली होता है। तो सीरियोसिस अगर लीवर का होना शुरू हो जाता है, तो उसके वजह से भी ये फैक्टर होता है। दूसरा, अगर आप स्टेरॉइड्स, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का सेवन बहुत ज़्यादा प्रीवियस किए हैं या कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी आपका ब्रेस्ट एलार्जमेंट देखने को मिल सकता है। आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, या फिर आपको क्रोनिक इलनेस हो गया है जिसके वजह से कि आपके लीवर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो भी आपको गायनेकोमास्ट्रिया देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सीरम हार्मोन लेवल चेक किया जाता है कि इसका कितना लेवल है आपके बॉडी में। आपका LFT करवाया जाता है कि लीवर आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद में आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाया जा सकता है। चेस्ट एक्सरे देखा जाता है कि क्या कहीं कोई गांठ वगैरह या ऐसा कोई फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये सब पूरा का पूरा इसमें इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस में आता है। अब बात करते हैं मेजरमेंट का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, तो उसके लिए हम लोग जो भी हार्मोन का डिसबैलेंस होता है उसको डिग्रेड करने का मेडिसिन वगैरह भी चला। तो इसमें एक मेडिसिन है ब्रोमोक्रिप्टीन, ये 1.25 mg वगैरह ऐसे आते हैं मार्केट में, इसका भी इस्तेमाल आपके फिजिशियन कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई अदर फैक्टर्स या जेनेटिक फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी का अभी कर लें, और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए मैं नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।